बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमदुल मजदूर, आज एक न्यू वीडियो चलता था। सो आज इस वीडियो में जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग ग्लिच इंट्रो जो है कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो प्रीव्यू वीडियो देख लीजिए कि आप लोग जो है कैसा जो है इंट्रो इस वीडियो में जो है बनाएंगे। तो हाँ जी, आप लोगों ने जो है प्रीव्यू वीडियो जो है देख लिया कि हम लोग जो है कैसा जो है इंट्रो बनाएंगे। तो अगर आप लोग जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो कहाँ तक देखिएगा, वीडियो के बारे में स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो सकती है, तो आप लोगों ने जो है घबराना नहीं है। मैं आप लोगों को जो है इसमें जो है फुल जो है एक्सप्लेन किया कि आप लोग जो है कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोग को जो है चार एप्लीकेशन की जो है ज़रूरत होगी। तो उन एप्लीकेशन का मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग जो है उन्हें जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को जो है एंड तक, वीडियो के बारे में स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एनी विदाउट आई वैसे लेट्स गेट स्टार्ट इन टू द वीडियो। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोग ओपन कर लीजिएगा प्ले स्टोर। तो मैंने ओपन कर लिया प्ले स्टोर, एंड देन यहाँ पर से जो है आप लोगों ने जो है टाइप कर लेना है पिक्सल लैब। तो मैं जो है यहाँ पर टैप कर रहा हूँ पिक्सल लैब, तो ये जो है आ चुका है हमारे पास। तो आप लोगों ने इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इस जो है इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे सिंपली ओपन करूँगा। एंड देन यहाँ पर जो है आप लोगों ने टाइप कर देना है अपने चैनल का नेम। तो मैं जो है अब्दुल मुइज जो है टाइप कर देता हूँ। सो उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है इसका जो है फाउंट चेंज कर लेना है। तो मैं जो है फाउंट वगैरह जो है इसके चेंज कर लेता हूँ। तो गौतम जो है मैं यहाँ पर जो है माई फाउंट्स में आकर जो है सर्च करता हूँ, एंड देन जो है इसे जो है चेंज कर लेता हूँ। सो आप लोग जो है फाउंट से कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है पहले से ही वीडियो बना रखी है वो इस टॉपिक पर। तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसे जो है देख लीजिएगा। एंड देन फाउंट और फाउंट का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड देन स्टाइल में आना है, स्टाइल में आने के बाद आप लोगों ने जो है इसे इटैलिक कर दें, एंड देन जो है पेंडिंग में आ जाइएगा। एंड देन लेफ्ट एंड राइट की तरफ से जो है आप लोगों ने एक ही जो है मतलब के साइज रखने हैं, 17-18 जो है लगभग कितनी जो है रख दीजिए। सो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से जो है एक ही मैं रखूँगा। एंड देन जो है इसे जो है टिक के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सो मैं जो है टिक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एंड देन जो है इसे ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। सो ट्रांसपेरेंट करने के बाद जो है इसे आप लोगों ने सेव पर सेव एज इमेज कर दीजिएगा। एंड देन यहाँ पर से जो है आप लोगों ने अल्ट्रा जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जो अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन सेव टू गैलरी। सो अब जो है आप लोग को आ जाना है अपने जो है पीएस टच में। सो पीएस टच आप लोग को जो है प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा, ये आप लोग को जो है गूगल क्रोम में मिलेगा। सो इसे जो है आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सो अगर आप लोग का 9 को वर्जन है, एंड्रॉयड 9 है, तो आप लोग को जो है इसका जो है मतलब के वो मिलेगा PSCC करना पड़ेगा 2019। और अगर आप लोग का जो है उससे नीचे वर्जन है, तो आप लोग को PS टच करना पड़ेगा। सो मैं जो है यहाँ पर से जो है अपना अपनी जो है इमेज ले लेता हूँ पिक्सल लैब वाली। सो मैंने जो है पिक्सल लैब वाली इमेज ले ली, एंड देन डन। और उसके बाद जो है इसे आप लोगों ने जो है ट्रांसफॉर्म करके दरमियान में छोटा कर देना है। सो आप लोग ये इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग का जो है बैकग्राउंड आप लोग का जो है ब्लैक होना चाहिए। एंड देन फिर से जो है फोटो लेयर में जाता हूँ। फोटो लेयर में जाने के बाद अब आप लोग को जो है लोगो अपना ले लीजिएगा PNG में। सो मैं जो है अपना लोगो जो है ले लेता हूँ, एंड देन जो है इससे जो है आप लोगों ने टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप लोगो वाली जो है लेयर को जो है हाइड कर दीजिए। सो उसको जो है डन पर क्लिक कीजिएगा, एंड देन सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जो है आप लोगों ने सेव टू गैलरी, एंड देन जो है अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंड देन जो है ओके पर क्लिक कर दे। ये जो है आप लोग की इमेज सेव हो चुकी है। सो आप अगेन आप लोगों ने वही वाला जो है प्रोजेक्ट ओपन करना है, एंड देन जो है इसको जो है अनहाइड कर दीजिए और टेक्स्ट वाली को जो है हाइड कर दीजिएगा। सो उसके बाद डन पर फिर से क्लिक कीजिए, एंड देन सेव पर क्लिक कीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद इसको जो है फिर से आप लोगों ने जो है गैलरी में जो है इसे इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, गैलरी में सेव कर दीजिएगा। सो अब जो है मैं आ जाता हूँ काइन मास्टर में। सो अब आप लोगों ने जो है काइन मास्टर ओपन कर लेना है। सो इसका जो है आप लोग को मैं लिंक यहाँ पर नहीं दे सकता, उसके लिए मैंने अलहदा से ही एक वीडियो बना रखी है आप लोगों ने जो है इसका जो है लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करना है। लेटेस्ट वर्जन जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप लोग प्ले स्टोर से जो है इसे डाउनलोड कर दें, तो वहाँ पर आप लोग को जो है वाटर मार्क आ सकते हैं। सो उस वीडियो को वॉच करके आप लोगों ने जो है चेक कर लेना है कि आप लोगों ने जो इसे जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब जो है आप लोगों ने जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एंड 16:9 का रेशियो ले लीजिएगा। सो रेशियो लेने के बाद अब आप लोगों ने जो है
है अपनी जो है PSCC वाली PSTouch वाली जो भी इमेज आप लोगों ने जो है एडिट की है सो उन्हें जो है आप लोगों ने ले लेने हैं। सो मैं जो है ले लेता हूँ एंड देन आप लोगों ने अपनी जो है साइज़ जो है रख लेनी है। सो मैं जो है पहले से ट्रांजिशन जो है दे देता हूँ। सो प्रेजेंटेशन में आइए एंड स्ट्राइप वाइब नेम से कोई जो है एक ट्रांजिशन है सो इसको जो है 1 पर जो है कर दीजिएगा। सो अब आप लोगों ने जो है इसकी जो है सेटिंग वगैरह कर लेनी है। सो याद रहिए आप लोगों ने जो है 6 या 7 सेकंड्स का आप लोगों ने जो है इसे जो है रखना है, मतलब के लेंथ इसकी रखनी है। मैंने देखे हैं बहुत सारे जो है 1 मिनट की भी रखते हैं। सो उसके बाद जो है इसे जो है एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। सो एक्सपोर्ट करने के बाद अब आप लोगों ने जो है फिर से आ जाने प्ले स्टोर में। सो अब आप लोगों ने 90S जो है ग्लिच आप लोगों ने जो एक एप्लीकेशन इस नेम से होगी अब आप लोगों ने जो है इसे डाउनलोड कर लेना है। सो मैंने जो है इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे जो है सिंपली ओपन करूँगा तो आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मैंने ओपन पर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर से जो है प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड एडिट ए वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। सो अब आप लोगों ने जो है जो अपना प्रोजेक्ट सेव किया था गैलरी में का इन्वर्सर से सो उससे ले लीजिएगा। तो मैंने जो है ले लिया एंड देन यहाँ पर से जो आप लोग देख सकते हैं वही प्रोजेक्ट है। सो उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग इफेक्ट्स पर क्लिक कर दीजिए। सो अब आप लोग को मैं जो है इसमें जो है एक और चीज़ भी बता देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक जो है लॉन्ग प्रेस किया एंड देन ये जो है लग चुके हैं एंड देन अंडू का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो है अंडू हो जाएगा। सो अब आप लोग ने लॉन्ग प्रेस करते जाना है। सो ये जो है आप लोग के इफेक्ट्स जो है लगते जाएंगे। तो मैं वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पर जो है बहुत सारा टाइम लगाया तो आप लोग भी बहुत सारा टाइम लगाएं एंड अपनी जो है वीडियो क्रिएट कीजिएगा। याद रहिए आप लोग जो है इफेक्ट्स जो है अच्छे अच्छे से जो है लगाइएगा एंड देन जो है आप लोग देख सकते हैं कुछ ये वाले जो है इफेक्ट जो है अभी जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है। सो टिक के ऑप्शन पर क्लिक किया एंड देन फिर से टिक के ऑप्शन पर क्लिक किया नो रिमूव प्रो इफेक्ट्स पर आप लोगों ने जो है क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन एक्सपोर्टिंग होने लग गया। सो इसे जो है एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। सो एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से आप लोगों ने जो है ओपन करना है काइनमास्टर। तो मैं जो है यहाँ पर काइनमास्टर ओपन करता हूँ, प्लस का आइकन पर क्लिक किया, 16:9 जो है रेशियो ले लिया एंड देन अब आप लोगों ने 90S वाली जो है अपनी जो है वीडियो ले लीजिएगा। तो वीडियो लेने के बाद जो है आप लोगों ने जो है ऑडियो पर क्लिक करना है एंड देन ग्लिच साउंड इफेक्ट जो है आप लोगों ने जो है इसमें जो है ऐड करना है। सो इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है अपने जो है इंट्रो में। तो कुछ ये वाला जो इफेक्ट आ रहा है अभी, तो अब जो है आप लोग देख सकते हैं कुछ ये वाला जो है वाटर मार्क आ रहा है 90S वाला, तो इसे हम लोगों ने रिमूव करना है। सो क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड देन जो है इसे जो है जूम जो है कर लीजिएगा। सो जूम आप लोगों ने जो है कुछ इस तरीके से करना है, इसे जो है दरमियान में रखना है। तो उसके बाद आप लोगों ने ये वाला इज इक्वल टू पर क्लिक कर देना है देन डन पर क्लिक कर देना है। तो अब जो है आप लोग देख सकते हैं कोई भी जो है वाटर मार्क नहीं आ रहा। सो आप जो है कुछ देख सकते हैं लाइन जो है आधी स्क्रीन पर आ रहे आधी पर नहीं आ रहे। तो फिर से जो है जूम पर क्लिक करते हैं एंड देन जो है अब थोड़ा ज़्यादा सा जो है अच्छा सा ऐसे जूम कर जाएंगे। सो जूम करने के बाद आप लोग देख सकते हैं अब कुछ ये वाला जो इफेक्ट जो है प्यारा सा आ रहा है। सो अब जो है कुछ ये वाला जो है हमारा जो है बन चुका है। सो उसके बाद आप लोगों ने जो है इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आइए पसंद तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।